आरकेएमयू के महामंत्री सह जेबी सिंचाई सदस्य राजेश कुमार सिंह डकरा पहुंचे, जहां पर यूनियन के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता सौंपकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। मौके पर सुनील कुमार सिंह, जेडेज खान, देवपाल मुंडा, धीरज सिंह, इंदल कुमार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान राजेश सिंह ने बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर विभिन्न तरह की जानकारी दी। राजेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वर्गीय रामदास बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। मुख्य अतिथि का सम्मान कर रही महामंत्री जी को। राजेश, इस पहले अभी आपका जो विजिट का क्या है सर? देखिए, अभी हमें माइंस विजिट के लेकर के हम निकले हुए हैं, क्योंकि ढोरी से हमको चलना है और जाना है रजहारा एरिया, तो इतना लंबा डिस्टेंस जो पड़ रहा था, इस वजह से आज यहाँ नाइट होल्ड करने का प्रोग्राम रहा। कल सुबह में रजहारा निकल जाएंगे, कुछ संगठन का भी कुछ कार्यक्रम देखेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे क्या क्या है और क्या क्या सुविधाएं हो रहा है उत्पादन को लेकर के। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी माइंस सुरक्षित रहे, उत्पादन अच्छा हो, और इसलिए हम लोग माइंस का इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए हैं। तो 24 तारीख को हमारा, 25 तारीख को रजहारा में इंस्पेक्शन है, 26 को आपको एनके एरिया है, 27 सीसीएल सेफ्टी बोर्ड का मीटिंग रांची में है, 28 को मगध आम्रपाली का विजिट है कि वो जो एरिया है वहाँ के, यहाँ जा कर के देख लें कि हम लोग जो कामगार हैं से किस रूप में, किस हालात में काम कर रहे हैं, मॉनसून प्रिपरेशन में क्या क्या हो रहा है। आजकल उत्पादन लेने के लिए सुरक्षा को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन का भी बहुत इस पर जोर दिया जा रहा है कि जितने भी सेफ्टी बोर्ड के मेंबर हैं वो अब जाएं, पूरे सीसीएल के हर एक क्षेत्रों का दौरा करें, देखें जो जो कमियां हैं सो उसके बारे में हम लोग को थोड़ा प्रकाशित करें, क्योंकि सेफ्टी बोर्ड के मेंबर होने के नाते उस प्लेटफॉर्म पर उस चीज़ को रखने में हम लोग को सुविधा हो, और क्षेत्रीय प्रबंधन क्या कर रहा है उस पर भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। हमारे कामगार सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह करके खदान में काम करें, इससे उत्पादन भी बढ़ता है और हम लोग भी सारे लोग सुरक्षित हैं से काम करते हैं। बेज बोर्ड को लेकर काफ़ी आस है मजदूरों में? हाँ, बेज बोर्ड के लेकर के एक इंट्रोडक्शन मीटिंग के रूप में कलकत्ता पिछले माह रखा गया था एक बैठक, तो चेयरमैन और टोटल सब्सिडरी के जितने भी CMDs हैं थे, तो हम लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 10वां बेज बोर्ड में जो पारित किया गया था, जो अभी भी, जैसे मेडिकल अनफिटनेस हुआ और दो चार प्रकार का और भी उस तरह का मुद्दा है जो हम लोग को नहीं हो पा रहा है, उसको आप लोग तुरंत उसको लागू करें, और उसके बाद 11वां वेतन समझौता का आगे उसके बाद प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। इस तरह पर चर्चाएं हुई है, चेयरमैन ने आश्वस्त किया है कि 1-1.5 महीना के अंदर में हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों पक्ष मिल करके हम लोग वेतन समझौता 11वां जल्द से जल्द कर लें, इस पर सरकार का भी फोकस है। आपके संगठन का क्या क्या डिमांड है, किस तरह का वेतन समझौता? देखिए, अभी सबसे पहला चीज़ होता है तो चार्टर ऑफ डिमांड सारे यूनियन हम लोग कॉमन बना करके दिए हुए हैं, लेकिन MGB जो प्रमुख चीज़ है, हम लोग 50% से नीचे हम लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हम लोग का मुख्य है कि MGB कम से कम हम लोग को 50% का डिमांड दिया गया, जिसमें चारों श्रमिक संगठन मिल करके हम लोग उसको कर करके प्रबंधन को दिए हैं। और जैसे मेडिकल अनफिटनेस का हो गया, जितना सरलता बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी लोगों को, आश्रितों को जो नौकरी देने में जो विलम्ब हो रहा है, सो उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें, और चार्टर ऑफ डिमांड है उसका एक कॉपी हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं। आज का एक प्रोग्रेस है, कोल इंडिया के जो डायरेक्टर पर्सनल जो भी हमारे यहाँ जो नए नियुक्त हुए हैं, विनय रंजन साहब, तो आज CCL आए हुए हैं, हर एक चारों श्रमिक संगठन के दो दो तीन तीन व्यक्तियों को बुला करके इंट्रोडक्शन मीटिंग के लिए रखा गया है, आज रांची में बैठक चल रही है।
उसमें भी और ऊपर कास्ट करेंगे कि फर्स्ट वीक में हमको जेबीसीसीआई का तिथि का निर्धारण होने की संभावना है। अब मैनेजमेंट भी पॉजिटिव हैं, तो मैनेजमेंट भी पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेतन समझौता किया जाए, क्योंकि इस भीषण परिस्थिति में कोल इंडिया कोरोना काल का स्थिति आप देख ही रहे हैं, इस भीषण परिस्थिति में भी कोल इंडिया के जितने भी कामगार हैं बिना कोरोना से डरे हुए बिना झिझक के 100% वर्कर काम किए हैं और काम करके आज देश को जो रोशनी जो पैदा हो रहा है, जो कोयला हम लोग उत्पादन किए हैं, इसके लिए भारत सरकार भी हम लोगों को धन्यवाद कहा है और लोग कहे हैं कि कोयला के खदान के जो मजदूर हैं से इस भीषण परिस्थिति में भी एक दिन भी खदान हम लोग बंद नहीं किए हैं और हम लोग खुल करके लोग उत्पादन बढ़ाए हैं। पहले के भी बनस्पत हम लोग को उत्पादन अधिक हुआ है। इसी तरह लेकर के हम लोग कहे थे कि इस परिस्थिति में आपके साथ सारे कोयला श्रमिक हैं, उसी को देखते हुए आप हमारा वेतन समझौता भी अच्छा से अच्छा करें और जो हम लोग का डिमांड है कम से कम 50% से नीचे बढ़ोतरी न हो। पेंशन की स्थिति बहुत खराब है, अब हम लोग 7% हम लोग श्रमिक दे रहे थे, 7% सरकार दे रहा था। इस बार हम लोग कहें कि जो हम से जो आप ले रहे हैं हम लोग से न लिया जाए। आप जैसे कोयला का उत्पादन होता है, जनसंख्या हमारी घटते जा रही है, मेन पावर कम होते जा रहा है, उत्पादन हम लोग अधिक कर रहे हैं, तो कोयला उत्पादन पर हम लोग का पेंशन दिया जाए, जो भी राशि जो लगता है जो हम लोग जो देते हैं, सो जैसे कोयला जो उत्पादन होता है उससे पैसा हमारा पैसा ना काट करके उसका पैसा काट करके पेंशन को बढ़ाने का काम किया जाए, ये प्रमुख रूप से मांग है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हर एक मजदूर पेंशन पर ही आश्रित रहता है, चूँकि उसका तनख्वाह बंद हो जाता है, जो जमा पूंजी है सिर्फ वही मिलता है। इस वजह से हम लोग इस बार उत्पादन पर हम लोग कर रहे हैं कि आप पैसा बढ़ाने के काम करें, ये सब प्रमुख चीज़ें हैं। इस पर काफ़ी चारों श्रमिक संगठन काफ़ी गंभीरतापूर्वक इसको लिए हुए और प्रबंधन को इस चीज़ को हम लोग बता चुके हैं, उन लोग भी इस मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। हम लोग बोले कि अगर आपको सरकार से बात करना है आप सरकार से बात कर लें, उसके बाद हमारे पास सामने बैठे, एक डेढ़ महीना के अंदर में हम लोग वेतन समझौता पूरा करने का हर एक व्यक्ति का पूरा प्रयास है।